अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्ला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो आज जो उसका टॉपिक है वो है चैलेंजेस, ठीक है। तो इसी पैनल मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो है वो पढ़ाया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के हमने आइडियोलॉजी देखी या उनमें जो है उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उनकी आइडियोलॉजी या उनके जो है वीकनेस जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद हम देखते हैं ओवरऑल की चैलेंजेस जो है पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो क्या आ जाता है। तो अगर हम देखें एक साइड से, हमने इम्पोर्टेंस देखी पॉलिटिकल पार्टीज की, हमने देखा कि उनके फंक्शंस जो है क्या है, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि कितने इम्पोर्टेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए है। तो ऑब्वियसली अगर जो है कुछ कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है तो ऑब्वियसली जो है उनको क्रिटिक्स जो है वो फेस जो है वो करना ही पड़ता है। तो ओवरऑल हम देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, तो यूजुअली फोर टाइप्स के चैलेंजेस है। द फर्स्ट वन जो है दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। Now see what this internal democracy mean. सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एक पोलिटिकल पार्टी होती है, देयर द टॉप मोस्ट जो लीडर्स होते हैं, दे आर ओनली एंजॉइंग द पावर। यानी कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी अगर हम देखें, लाइक हम बात करें आईएनसी की, बात करें बीजेपी की बात करें, इसके अलावा जो है हम कुछ अगर हम कश्मीर की हम बात करें, जैसे यहाँ पे पीडीपी है, जैसे यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या जैसे जो है यहाँ पे कांग्रेस है, इसके अलावा कोई भी पोलिटिकल पार्टी, तो अगर हम देखिए जो टॉप मोस्ट पावर होता है पार्टी का, तो वो कुछ ही मेंबर्स एंजॉय कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें जो एक ऑर्डिनरी मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, उसको पता ही नहीं होता कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द पार्टी, पार्टी की मीटिंग्स कब हुई, पार्टी का जो है मीटिंग में एजेंडा क्या था। कुछ मेंबर्स को जो है बिल्कुल पता होता भी नहीं था, ठीक है, या अभी भी हम देखें उनको पता भी नहीं होता कि पार्टी में जो है वो होता क्या। तो जो टॉप मोस्ट लीडर्स है वो पूरा डिसीजन लेते हैं इन द नेम ऑफ द पार्टी, यानी कि उन चार पांच छह मेंबर्स का डिसीजन जो है पूरे पार्टी का डिसीजन जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखें कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी में सबको वहां पे जो है इक्वल जो है मेंबर्स नहीं माने जाते। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स जो इवन मीटिंग्स में भी प्रेजेंट जो है वो नहीं होते। तो इसलिए जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो टॉप मोस्ट पावर जो पार्टी के अंदर होता है वो एंजॉय जो है कुछ ही पॉलिटिकल मेंबर्स कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसमें दैट इज डायनास्टिक सक्सेशन, या जिसको हम कहते हैं फैमिली रूल, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा, आपको जो है ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो किनका नाम आ जाता है, गांधी फैमिली। इसी तरीके से अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो किनका नाम आ जाता था, शेख फैमिली, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद जो पीडीपी के मेंबर्स बने तो सईद फैमिली। तो इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल है कि यहां पे फैमिली का रूल चल रहा है, यहां पे डायनास्टी जो है वो चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पार्टी के जो हेड्स होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन, वो या तो पार्टी टिकट्स अपनी फैमिली मेंबर्स को देंगे, या तो वो जो है अपने रिलेटिव्स को जो है देंगे, ठीक है, या अगर इनको नॉमिनेट भी करवाना होगा तो नॉमिनेट में भी जो है ना वो सजेस्ट करते, या तो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं या कहीं ना कहीं जो इनके रिलेटिव्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि जिन लीडर्स को ये इलेक्ट करते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स होते हैं, विदाउट मेरिट, विदाउट फेम, और जो हमने कहा कि जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। देखो कोई ऐसा मेंबर जो बहुत पहले से ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर रहता है किसी भी पोलिटिकल पार्टी के, उसको पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता, उसको जो है मिनिस्ट्री जो है वो नहीं दी जाती। एंड एज अगेंस्ट ऑफ दिस जो है किसी फैमिली मेंबर को या आपने किसी रिलेटिव को जो है आपने सीधा ही जो है फैमिली पार्टी टिकट दे दी, या जो है आपने उसको मिनिस्ट्रीशिप जो है दे दी, उसकी कोई जो मेरिट नहीं होती, पब्लिक को जो है फेथ नहीं उसका होता, तो जो कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। यानी कि सब मेंबर्स जो है वो पार्टी में इक्वल होते हैं, उनको भी जो है कहीं ना कहीं चांस होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पोलिटिकल सिस्टम में फैमिली से बाहर ये पावर निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड जो है दैट इज ग्रोइंग पावर एंड ग्रोइंग पावर ऑफ मनी एंड हसल पावर, ठीक है। अब देखो कि इलेक्शन के टाइम पे जो है हर कोई पॉलिटिकल पार्टी या हर कोई कैंडिडेट जो है वो शॉर्टकट चाहता है। शॉर्टकट उसके पास क्या होगा, शॉर्टकट में या तो वो पैसों का इस्तेमाल करेगा या तो वो मसल पावर का इस्तेमाल करेगा। बात समझ में, जो भी हम इलेक्शंस देखते हैं अपनी कंट्री लेवल में, हम देखते हैं अपने स्टेट लेवल में, हम जब इलेक्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक रिच पार्टी जो होती है, जो एक पुरानी पार्टी होती है, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, पब्लिक में। तो इन्फ्लुएंस जो है वो पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। या आप देखो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की जो इससे पहले भी हमने पढ़ा था प्रेशर ग्रुप्स, कहीं ना कहीं जो है इनके सपोर्टर्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जब ये शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, पैसों का इस्तेमाल करें, पावर का इस्तेमाल करें, अनफॉर्चुनेटली इस चक्कर में
ये होता है कि कभी कभी जो है वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए जो है वो ठीक नहीं होते। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम देखें, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एमपीज जो है बन बैठे हैं। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ये पैसों का रोल आ रहा है, ये या तो मसल पावर का रोल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है, दैट इज लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। अब देखो, आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कहीं ना कहीं पॉलिसी से, कहीं ना कहीं एजेंडा से, ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको कश्मीर की दूंगा। यहां जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसके सामने स्लोगन लगे हुए हैं, बदिमो नौकरी, बुबनाव सड़क, बदिम लाइट, ये लगा हुआ है उसके पास स्लोगन। कोई एक नया स्लोगन लेके नहीं आता। अदरवाइज अगर हम देखें जो पार्टी के प्रोग्राम्स होते हैं, जो पार्टी के पॉलिसीज होते हैं, उस पर पूरा इलेक्शन एक पार्टी का डिपेंड होता है। मैं सिंपल आपको हिंट दूंगा, जब इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का मतलब कहीं ना कहीं जो इसका एक मेन जो एजेंडा था उस टाइम इलेक्शन में, आप ये मान लो कि जो उसका हाफ ऑफ द वर्क डन जो उसके स्लोगन ने किया। इसी तरीके से जो यहाँ पे स्लोगन हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्टिंग में देती थी ऑटोनॉमी, वो काम कर रहा था उनके लिए, मुफ्ती साहब जो पीडीपी के जो कैंडिडेट थे, तो उसके बाद उन्होंने हीलिंग टच का दिया था, ठीक है, सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो कहीं ना कहीं उस टाइम हम ये कह सकते थे कि पॉलिसी डिफरेंट थी, प्रोग्राम्स डिफरेंट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखिए प्रेजेंटली हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमें सेम लगते हैं, उसके पॉलिसी सेम लगते हैं, प्रोग्राम सेम लगता है, मैनिफेस्टो जो है हमें सेम लगता है, सिर्फ डिफरेंस जो है उनकी इंप्लीमेंटेशन में आ रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहां पे कोट किया हुआ है, लेबर पार्टी और जो कंजर्वेटिव पार्टी जैसे हमारे ब्रिटेन में है, तो उनकी आइडियोलॉजी भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखें तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो शिफ्ट कर लेते हैं एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो खुद देखी होगी कि एक जो मेंबर है एक इलेक्शन में हम देखें तो वो पार्टी ए का कैंडिडेट होता है, उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन आ जाता है तो पार्टी बी का कैंडिडेट जो है वो बन जाता है। तो इससे भी जो है पब्लिक इमेज जो है वो बिगड़ जाती है, पब्लिक में जो एक इंटरेस्ट होता है, पब्लिक में जो एक फेथ होती है वो नहीं रहती। क्योंकि कभी कभी देखो, मैंने इससे पहले भी कहा कि लोग जो है वो वोट कभी जो है पार्टी को कर लेते हैं और कभी कैंडिडेट को कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे कैंडिडेट जो है कभी पार्टी ही शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि उसको क्या कहते हैं पॉलिटिकल सर्विस में, ठीक है, जब ये मेंबर जो है जो पार्टी चेंज करते लेते। लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं जो एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इंपॉर्टेंट लीडर्स जो है वो पार्टीज शिफ्ट जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे कि अभी जो हमने कहा था कि कैसे पार्टीज जो है उनके सामने चैलेंज आते हैं, ठीक है, तो अब है कि पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। अगर हम देखें तो इट्स नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले हम देखें तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज, क्या कैंडिडेट्स रेडी है रिफॉर्म होने के लिए। सो इफ दे आर विलिंग टू रिफॉर्म, तो फिर किस चीज ने उनको रोका हुआ है, या सेकंड की अगर वो रिफॉर्म होना नहीं चाहते, अगर वो थोड़ी सी चेंज या अमेंडमेंट करने जो है वो नहीं चाहता, तो इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम, क्या हम उनको फोर्स कर सकते हैं। तो सजेशन के लिए हम देखें तो कुछ रिसेंट जो एफर्ट्स दिए गए थे या कुछ सजेशन जो दिए गए थे कि कैसे हम पार्टीज को, कैसे हम इस सिस्टम को थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं, तो पहले जो है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिफेक्शन को रोकना। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आपके फ्यूचर में भी ये काम आएगा। तो सबसे पहले डिफेक्शन हम किसको कहते हैं, ठीक है, डिफेक्शन का मतलब हुआ जब एक कैंडिडेट पार्टी शिफ्ट करे, यानी कि जब वो पार्टी चेंज करे, एक बार अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन करे। ठीक है, तो जो इससे पहले हमने पढ़ा था जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो अगर जो है वो डिफेक्शन करे, यानी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जो है, क्योंकि इससे पहले जो है अगर हम देखें तो पहले के डिकेड्स में जो है डिफेक्शन आम होता था, क्योंकि डिफेक्शन के पीछे कहीं ना कहीं हम ये देखते थे कि जो मेंबर्स है उनको कोई ना कोई लालच दी जाती थी, या तो पैसों की लालच दी जाती थी, या तो किसी पोस्ट की लालच जो है वो दी जाती थी, तो इसीलिए जो है मेंबर्स जो है वो पार्टी शिफ्ट करते रहते थे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो एमएलएस है, यानी कि जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो एमपीस है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्टीज को शिफ्ट करते रहते थे, चेंज करते रहते थे। ठीक है, तो जिसको हम डिफेक्शन कहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की गई और ला दिया गया एंटी डिफेक्शन ला ये हो गया कि अब अगर कोई भी लीडर अपनी पार्टी चेंज कर रहा है और दूसरी पार्टी को जो है वो
ज्वाइन कर रहा है तो उसकी जो सीट है लेजिस्लेचर में समझो वो लूज हो गई, वो लॉस हो गई। इससे पहले क्या होता था कि जब वो चेंज करता था तो उसकी पोजीशन रहती थी, लेकिन अब ये है कि अगर वो पार्टी जो है छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो उसकी सीट जो है लेजिस्लेचर से गई। बात समझ में? तो इससे क्या हुआ, इससे जो डिफेक्शन है वो प्रोसेस रुकने लगे। तो पहले ये डिफेक्शन आम होता था, एक पॉलिटिकल साइंस में बड़ा फेमस स्लोगन लग गया था कि जब ये मेंबर्स पार्टी शिफ्ट करते रहते थे एक पार्टी से दूसरे, तो वहां पे कहते थे आया राम गया राम, यानी कि एक आया दूसरा गया, ठीक है। और एक बड़ा ही फेमस केस हमारे पॉलिटिकल साइंस में है कि एक जो एमपी थे, ठीक है, तो उसने जो है दिन में 3 बार डिफेक्शन किया, तो इसका मतलब दिन में उसने 3 पॉलिटिकल पार्टियां चेंज की, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एंटी डिफेक्शन ला दिया। उसके बाद जो दूसरी सजेशन है जो है कि जो इन्फ्लुएंस आ रहा है पैसों का या जो पावर का इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को रोकने के लिए, अब देखो तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने मैंडेटरी किया, कंपल्सरी किया कि अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी कैंडिडेट्स है, जब वो इलेक्शन के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक पता है कि उसमें एक प्रोसेस होता है नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स, जब उसको पेपर जो नॉमिनेट करने पड़ते या फिलिंग जो उसको फिलअप करने पड़ते जो फॉर्म होता है, तो उसपे जो उसको अब अपनी सारी डिटेल देनी पड़ती है, बायोडाटा, ठीक है, तो एक काइंड ऑफ एफिडेविट उसको करना पड़ता है। नाउ व्हाट एफिडेविट इज, एफिडेविट इज सिंपली अ काइंड ऑफ ओथ, अ प्रॉमिस, तो उसमें उसको सारी डिटेल देनी पड़ती है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये डिटेल क्यों देनी होती है, कौन कौन सी डिटेल, तो डिटेल देगा कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी एजुकेशन कितनी है, या इन केस कि उसके खिलाफ जो है कोई क्रिमिनल केस तो नहीं हुआ था या कोई पेंडिंग तो केस जो है नहीं हुआ। ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के सामने, पब्लिक के सामने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक कैंडिडेट की इमेज जो है वो पूरी क्लियर जो है वो आ जाए। बात समझ में? लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एजुकेशन, अगर कोई पीएचडी कैंडिडेट है तो कोई बिल्कुल जो इलिटरेट कैंडिडेट है तो लोगों में एक अपना इंप्रेशन आ जाता है, किसी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, तो ये सारी डिटेल जो है वो इसलिए देती ताकि जो पावर मनी का है या मसल पावर वो कम हो जाए। उसके बाद हम देखें तो कहा जाता है कि लॉ जो है वो बनना चाहे इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक मेंटेन करी हुए रजिस्टर, उनके मेंबर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर रजिस्टर जो है होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है ये भी सजेशन दी गई है कि जो हायर पोस्टर्स है, जो हाईएस्ट पोस्ट है, उनके लिए जो है इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए। इंटरनल इलेक्शन का मतलब ये हो गया कि लाइक से फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट एजुकेशन मिनिस्टर उसको बनाना चाहिए जो खुद एजुकेटेड हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्टर उसको बना दिया जाता है जिसको एजुकेशन की पता नहीं होती, जो खुद इलिटरेट होता है। जो टॉप मोस्ट पोजिशंस है उनके लिए सूटेबल कैंडिडेट्स होने चाहिए, तो वहां पे भी जो है ओपन इलेक्शन या इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट सजेशन जो दी गई है, ठीक है, तो नेक्स्ट सजेशन है कि देयर शुड बी 1/3 सीट्स टू अ वुमेन। यू ऑलरेडी नो कि वुमेन्स को 1/3 सीट्स रिजर्वेशन दी गई है, लेकिन कहां पे, ओनली इन द लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट का मतलब हुआ इनको पंचायत में दी गई है और उनको म्युनिसिपैलिटीज में दी गई है। लेकिन सजेशन है कि वुमेन को 1/3 सीट्स देनी चाहिए, रिजर्वेशन देनी चाहिए, कहां पे, पार्लियामेंट सीट्स में भी और स्टेट असेंबली सीट्स में भी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो इस बिल को लेकर डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो राज्यसभा ने इस बिल जो है उसको ग्रीन सिग्नल भी दे दी है इन 2010, बट अनफॉर्चुनेटली जो है लोकसभा में अभी ये बिल जो है ये अभी भी वहां पेंडिंग है। लेकिन सजेशन है कि 1/3 वुमेन जो है वुमेन को देनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो खुद एलो नहीं होनी चाहिए, बात समझ में, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा हुआ है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां गवर्नमेंट तो लिमिट रखता है लेकिन इंटरनली हम देखते हैं कि कितना पैसा जो है इलेक्शन के टाइम पे जो है खर्च किया जाता है। तो कहते हैं कि ये सजेशन है कि स्टेट फंडिंग जो है वो होनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उसको पार्टी बनना चाहिए, जब भी ये पार्टी इलेक्शन के लिए जाए तो या तो वो पैसों के थ्रू उनको हेल्प करे या कहीं ना कहीं जो है इन काइंड, जैसे कि पेट्रोल है, पेपर वर्क है, तो कहीं ना कहीं जो है स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम जो यहाँ पे सजेशन जो दी गई है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑब्वियसली ये वो लॉ पास नहीं करेंगे जिससे इनको लगेगा कि उनके ही पावर जो है वो थोड़े रिड्यूस हो रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसे दो तरीके हैं जिससे हम कहीं ना कहीं जो है ये रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। द वन इज टू पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। एक तरीका है कि
वो सिंपल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर कर लिया जाए, लीडर्स को जो है प्रेशराइज किया जाए। वो हम कैसे करेंगे? प्रेशराइज जो है हम उनको पब्लिसिटी के थ्रू कर सकते हैं, एजिटेशन हम करेंगे, पेटिशन, जो इससे पहले भी आपको बोल चुका हूं, पेटिशन का मतलब वो फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट जो हम कोर्ट के सामने डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम इन्वॉल्व करेंगे पब्लिक को, हम इन्वॉल्व करेंगे मीडिया को। तो सिंपल पहला प्रैक्टिकल तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स को प्रेशराइज किया जाए। सेकंड, ये तो कॉमन सेंस है कि जो चाहते हैं कि चेंज हो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए है कि वो खुद आगे आए, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड जो है ज्वाइन पॉलिटिक्स, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है वो लोग अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कहीं ना इसका मतलब सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, लोगों की जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि बातें करना, क्रिटिसाइज करना बहुत ही आसान है। अगर मैं चेंज चाहता हूं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को करना, तो मुझे चाहिए आगे आए, मुझे चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम एंटर हो जाए, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाता है तो सिस्टम का ही हो जाता है। तो दो तरीके, एक तो प्रेशराइज करें, एंड दूसरा जो है वो कि अगर आप वाकई में चेंज चाहते हो, आइए और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए।